आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का एक नया पाठ जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भूमिका से, जानते हैं सम्मिश्र संख्या ए जमा आयोटा बी के प्रारूप की एक संख्या जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या z, इसे हम z से संबोधित करते हैं, बराबर है a जमा आयोटा b, जहां पर आयोटा जो है वह i से दर्शाया जाता है तथा a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों भूमिका में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सम्मिश्र संख्या के कुछ और तथ्य। सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर a जमा आयोटा b, इसके लिए a जो है वह वास्तविक भाग कहलाता है, इसे हम r e z लिखते हैं यानी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक उसी प्रकार जो b होता है वह काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे हम i m z लिखते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ बताया गया है z बराबर 2.5 आयोटा, जहाँ हमारा जो वास्तविक भाग है वो r e z बराबर 2 है तथा काल्पनिक भाग जो i m z है वह 5 है। चलिए बच्चों इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित की गई है z बराबर ऋणात्मक 1.√3i। तो इसका जो वास्तविक भाग है यानी r e z वो ऋणात्मक 1 है तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी i m z काल्पनिक भाग √3 है। इसी के साथ बच्चों चलिए देखते हैं आखिरकार दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, दो सम्मिश्र संख्याएं ली गई हैं z 1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z 2 बराबर c जमा आयोटा d। यह दोनों समान होंगे यदि a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। इन दोनों का ही अनिवार्य है होना, सिर्फ एक के होने से यह सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती। अर्थात जो पहली संख्या है सम्मिश्र, उसका काल्पनिक भाग बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के। ठीक उसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या का जो हमारा वास्तविक भाग है वह बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग के। तो चलिए बच्चों, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है यह हमने जाना, अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण कहता है यदि 4x + 3x - y आयोटा बराबर है 3 - i ऋणात्मक 6 के, यानी यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं और दिया गया है कि x और y दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसका हल देखते हैं। हल में हमें देखना है, सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि दोनों ओर के जो वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं उनको हमें समान लेना है। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे आधारभूत स्थिति होती है कि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो जाए। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 4x = 3 के तथा 3x - y जो है वह बराबर है ऋणात्मक 6 के। यदि बच्चों आप इसको अपनी पुस्तिका में हल करके देखें तो आप पाएंगे x का मान आता है 3/4 तथा y का मान आता है 33/4। तो हमने पढ़ा दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित पर।
पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम दो सम्मिश्र संख्याओं के योग से। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो वो कैसे होगा बच्चों? हमें देखना है कि पहली सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है a, वो जुड़ना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग c से। ठीक उसी प्रकार यदि मैं काल्पनिक भाग की चर्चा करूं तो पहली सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है b, वह जुड़ेगा दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग d के साथ। तो इससे हमें दोनों का योग प्राप्त होता है। आइए बच्चों इसे देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। z1 एक सम्मिश्र संख्या दी गई है 2 जमा 3 आयोटा तथा z2 जो दी गई है वह दी गई है माइनस 6 जमा 5 आयोटा। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों के वास्तविक भागों को जोड़ा गया है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा है तथा दोनों के ही काल्पनिक भागों को जोड़ा गया है 3 जमा 5। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा जा रहा है, चिन्ह जो है वो ऋणात्मक रहेगा क्योंकि 6 जो है वह 2 से बड़ा होता है। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा और 6 से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, यानी जो हमें सम्मिश्र संख्या परिणाम में प्राप्त हुई वह है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं जो है उनका योग किन प्रगुणों को संतुष्ट करता है। पहला है संवरक नियम। इस नियम के अनुसार दो सम्मिश्र संख्याओं का जब आप योगफल लेते हैं तो वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होती है। आइए बच्चों इसको समझते हैं और अच्छे से उदाहरण की सहायता से। संवरक नियम द क्लोजर लॉ, इसमें हमने देखा दो सम्मिश्र संख्याएं दी है, जब हमने इनका योग लिया तो हमने देखा हमें उत्तर प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा जो स्वयं एक सम्मिश्र संख्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़े हमने देखा दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम यानी द कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हमने z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं जो है इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले हमने z1 में z2 को जोड़ा, यदि मैं इनका क्रम बदल के सेम वही वैसी ही सम्मिश्र संख्याएं ली गई है जैसे पहले ली गई थी 2 जमा 3 आयोटा ऋणात्मक 6 जमा 5 आयोटा, कुछ नहीं किया है बच्चों सिर्फ क्रम बदल दिया है, z2 में हमने z1 को जोड़ दिया है। जोड़ने पर हमने देखा परिणाम में हमें फिर से प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि क्रम का विनिमय यानी क्रम बदलने जाने पर अगर आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अगर आप उनका क्रम बदल देते हैं तो परिणाम में जो सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए बच्चों बढ़े चलते हैं अगले नियम की ओर, साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमने देखा तीन सम्मिश्र संख्याओं को लिया गया है, अब मैंने क्या किया पहले लिया योग z1 और z2 का, इनका योग लेने पर हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। अब जब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ू तीसरी सम्मिश्र संख्या को तब मुझे प्राप्त हुआ ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। पहले मैंने z1 और z2 इन दोनों का योग लिया है फिर इनके योग के साथ मैंने z3 को जोड़ा। आइए बच्चों करते हैं एक और तरीके से इसको हल। अब मैंने इसमें क्रम परिवर्तन कर दिया, मैंने z2 के साथ z3 को पहले जोड़ा तो मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 1 जमा 9 आयोटा। अब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ती हूँ सबसे पहले वाले सम्मिश्र संख्या यानी z1 को, जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा।
बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी ठीक वही हुआ है। सहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि आप दूसरी तीसरी के योग के साथ पहली सम्मिश्र संख्या का योग ले या फिर पहली और दूसरी सम्मिश्र संख्या का योग तीसरी के साथ ले। क्रम परिवर्तन से जो परिणाम में हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सम्मिश्र संख्या शून्य जमा शून्य आयोटा शून्य के द्वारा दर्शाया जाता है योगात्मक तत्समक अथवा शून्य सम्मिश्र संख्या जो होती है वह कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z जो है वह बराबर हो जाती है अपने के ही यदि उसमें शून्य का योग किया जाए। इस पूरे नियम का अर्थ यह है बच्चों, अगर आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में शून्य सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो आपको परिणाम स्वरूप वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो अगला नियम देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर a जमा आयोटा b के लिए हमें सम्मिश्र संख्या ऋणात्मक a जमा आयोटा ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक z के द्वारा दर्शाया जाता है ऐसा कुछ प्राप्त होता है जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यदि z को मैं ऋणात्मक z के साथ जोड़ूं तो मुझे शून्य प्राप्त होता है और यही नियम जो है योगात्मक तत्समक में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों प्रगुणों को समाप्त करते हुए बढ़े चलते हैं अगले बीजगणित की ओर, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसमें हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ली z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इनका अंतर लूं तो आप देख सकते हैं z1 में से z2 को घटाया जा रहा है तो पहले सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग से दूसरे सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को घटाना है यानी a माइनस सी जमा आयोटा में। ठीक काल्पनिक भाग में भी उसी नियम का हमें पालन करना है तो b माइनस डी। इसी को बच्चों आप उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z1 बराबर 6 जमा 3 आयोटा तथा z2 बराबर 2 ऋणात्मक आयोटा। बच्चों ये जो 2 ऋणात्मक आयोटा दिख रहा है इसको अगर आप ठीक से समझना चाहें तो ये कुछ नहीं है 2 जमा ऋणात्मक एक का आयोटा के साथ गुना है। तो यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है वो ऋणात्मक एक हुआ। अब जब हमने इसका अंतर देखा बच्चों तो वास्तविक भाग से तो वास्तविक भाग घटाया गया यानी 6 से 2 घटाया गया तथा काल्पनिक भाग में 3 में से ऋणात्मक एक को घटाया जाएगा। ठीक है बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। 6 में से 2 गया बचता है 4 तथा 3 में से जब आप ऋणात्मक 1 को हटाते हैं तो वह बचता है 4 यानी 4 जमा 4 आयोटा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। आज हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के बारे में, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं तथा दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में। इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, घर जाइए अपने प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा तत्समक यानी आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल यानी डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे i की घात यानी पावर ऑफ i और आखिर में हम देखेंगे एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल यानी द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से।
तो सबसे पहले हमने ली दो सम्मिश्र संख्याएं, यानी z1 is equal to a plus iota b तथा z2 is equal to c plus iota d। जब हमने इन दोनों को गुना किया तो हमें प्राप्त होता है a plus iota b गुना c plus iota d। इसको आगे हल करेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करेंगे a का गुना c से, यानी हमें मिलेगा ac। फिर हम करते हैं a का गुना iota d से, तो मुझे मिलता है iota ad। फिर हमने जब गुना किया आयोटा बी को सी से, तो हमें मिलता है प्लस आयोटा बी सी। फिर हमने किया आयोटा बी को गुना आयोटा डी से, तो हमें मिलता है आयोटा बी गुना आयोटा डी। बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि अब ये जो समीकरण है इसको कैसे हल करना है। तो जब आपने समीकरण को देखा, सबसे पहले आयोटा ए डी और आयोटा बी सी, इसमें आप देख सकते हैं आयोटा उभयनिष्ठ है, तो सबसे पहले हम आयोटा को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे BC plus AD, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा आयोटा B गुना हो रहा है आयोटा D से। अब आयोटा जब आयोटा से गुना होता है तो वह बनाता है आयोटा का वर्ग, यानी आयोटा स्क्वायर, जिसका मान है -1। तो जब -1 B D से गुना होगा तो हमें कुछ इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा AC-BD। इसी के साथ हमने देखा जब दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणनफल किया गया तो हमें मिला AC-BD plus iota AD plus BC। इसी को बच्चों समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। आपके सामने दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, 3 plus 5 iota और 2 plus 6 iota। इनका जब हमने गुना किया तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था। सबसे पहले 3 को हम करेंगे 2 से गुना, तो हमें प्राप्त होता है 3 गुना 2। फिर 3 को हम करेंगे आयोटा 6 से गुना, तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 3 गुना 6। फिर आयोटा 5 को हमने जब 2 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना 2। और आयोटा 5 को जब आयोटा 6 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना आयोटा 6। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा आयोटा 3 गुना 6 के साथ भी है और आयोटा 5 गुना 2 के साथ भी है, यानी यह दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आयोटा को यदि मैं बाहर ले लूं तो मुझे प्राप्त होता है ब्रैकेट में 3 गुना 6 जमा 5 गुना 2। इसी के साथ आगे बढ़े तो हमने देखा आयोटा 5 और आयोटा 6, इनका गुणन करने पर हमने देखा कि आयोटा का जो वर्ग होता है वह -1 यानी ऋणात्मक 1 होता है। ऋणात्मक 1 जब 5 गुना 6 से गुना होता है तो वह बनाता है कुछ इस प्रकार का संबंध, तो 3 गुना 2 - 5 गुना 6। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा हल करने पर 3 गुना 2 होगा 6 माइनस 5 गुना 6 होगा 30, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह है तो 30 में से 6 को घटाया जाएगा और चिन्ह जो है वह भी ऋणात्मक रहेगा। काल्पनिक भाग की चर्चा करते हुए हमने देखा 3 गुना 6 होता है 18 तथा 5 गुना 2 होता है 10। 18 और 10 को जोड़ा गया तो हमें जो प्राप्त होता है वह है -24 + 28 iota। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं। सबसे पहला नियम है संवरक नियम। इसमें कहा गया है जब भी आप दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल लेते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको जो भी संख्या प्राप्त होती है वह भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसी के साथ चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, क्रम विनिमय नियम, यानी द कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहा गया है यदि आप दो सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं z1 और z2, तो इन दोनों का जब आप गुणनफल लेते हैं तो या तो आप z1 के साथ z2 को गुना करें या क्रम बदलकर पहले z2 को रखकर उसको z1 से गुना करें। दोनों ही स्थितियों में जो परिणाम में आपको सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी वह एक जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, साहचर्य नियम, यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें कहा गया है कि इन्हें तीन सम्मिश्र संख्या जैसे z1, z2, z3 यदि आप लेते हैं, आप पहले z2 और z3 का गुणनफल ले लीजिए, उसके बाद उसको गुना कीजिए z1 से,
या फिर आप पहले z1 और z2 का गुणनफल लीजिए और उसको गुणा कीजिए z3 से। दोनों ही स्थितियों में आपको जो परिणाम में संख्या प्राप्त होती है वह एक ही जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, The existence of multiplicative identity। इसमें कहा गया है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जो इस रूप में है 1+0i, इसको हम 1 से दर्शाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि शून्य जब किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है तो उसका कोई मान्य नहीं रहता, वह उसको शून्य बना देता है। यह जो है एक, इसको हम गुणात्मक तत्समक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, जिससे कि हमें यह प्राप्त होता है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या z ले लीजिए, उसको जब आप एकल सम्मिश्र संख्या या फिर गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करते हैं तो परिणाम में आपको वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमने देखा प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या z = a+i b, जहां पर a और b दोनों ही शून्य नहीं हो सकते, इसके लिए हमें एक और सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है a/a² + b² + i - b/a² + b² यानी 1/z। 1/z को बच्चों हम z के ऊपर -1 की घात दिखाकर दर्शा सकते हैं। यह हमें प्राप्त होती है जिसको हम z का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, यानी जब भी आप किसी सम्मिश्र संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुणा करेंगे तो आपको उत्तर में गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगला नियम हम देखेंगे, बंटन नियम यानी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें अगर आप 3 सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं z1 z2 और z3, सबसे पहले आपने क्या किया, z1 को गुणा किया है z2 और z3 के योगफल से। तो पहले आप z1 को z2 से गुना करेंगे, फिर योग लेते हुए z1 को z3 से गुना करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि z1 और z2 के योगफल के साथ आप z3 को गुना करते हैं तो पहले z1 z3 के साथ गुना होगा, फिर जमा करते हुए z2 जो है वह z3 के साथ गुना होगा। इस नियम को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ बच्चों बड़े चलते हैं हम अगले बीजगणित की तरफ, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली, z1 = a+i b और z2 = c+i d। तो हमने देखा कि z1/z2 यानी z1/z2 भागफल इसी प्रकार लिया जाता है। यदि मैं z1 को बाहर ले लूं तो मुझे ब्रैकेट में प्राप्त होता है 1/z2। अब मैं z1 और z2 में दोनों के मानों को डाल देती हूँ, a+i b और c+i d। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण हमारे सामने आता है। अब इस समीकरण को जब हम आगे हल करते हैं बच्चों, तो हमने देखा नीचे जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या में नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो इसी के लिए हम सिर्फ नीचे से आयोटा तो हटाने के लिए गुना नहीं कर सकते हैं, तो हमें अंश तथा हर दोनों में ही ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा कि नीचे का जो है आयोटा वह हट जाए। तो मैंने अंश तथा हर को c - i d के साथ गुना कर दिया। दोनों ही को गुना करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ c+i d * c - i d, बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे बढ़े तो हमने देखा c+i d और c - i d को गुना करने पर हमें एक सर्वसमिका याद आती है a+i d और a - i d, यानी a+b और a - b। इनका गुना करने पर हमें प्राप्त होता था a² - b² ठीक वही यहाँ हुआ है c² - i d² इसको हल किया तो हमने देखा कि पूरा समीकरण वैसा ही रहेगा, केवल आयोटा डी का जो होल स्क्वायर है वह टूट जाएगा और बच जाएगा आयोटा का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। इसी समीकरण के साथ हम आगे बढ़े तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यानी -1 जब माइनस के साथ गुना हुआ तो वह प्लस बन गया। तो समीकरण कुछ इस प्रकार का हो गया a+i b * c - i d / c² + d². ठीक है बच्चों, चलिए इसी को समझ लेते हैं एक उदाहरण की सहायता से।
दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई है, z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इसको जब हमने हल किया ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी आपको पीछे मैंने समझाया था बच्चों, z1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचता है 1 अपॉन z2 यानी 1 बटा z2। अब हमने इसमें इसके मान डाल दिए। अगला क्या कदम था बच्चों? अगला कदम ये था कि हमें नीचे से आयोटा को हटाना था। उसके लिए मैंने अंश तथा हर में 2 प्लस आयोटा इससे मैंने गुना कर दिया। अंश और हर दोनों में ही गुना करने के बाद मुझे प्राप्त होता है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, दोनों गुना हो जाएंगे और बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वह होता है -1, तो -1 ये माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा समीकरण प्राप्त होगा 6 प्लस 3 आयोटा गुना हो रहा है 2 प्लस आयोटा बटे 4 प्लस 1 से। बच्चों 4 कैसे आया? हमने वहां 2 का स्क्वायर लिया था। इसी के साथ जब आगे बढ़े तो देखा 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा बटे 5 यानी 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। आगे बढ़े तो हमने इन दोनों का गुना कर लिया, गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। यानी इसी के साथ हमारा यहाँ पर भागफल का जो विषय था वह समाप्त होता है। आगे हम बढ़े, हमने देखा i की घात यानी पावर ऑफ i। तो सबसे पहले हमने देखा i की जो घात है वह 3 दे रखा है, तो 3 को मैं 2 और 1 में खोल के लिख सकती हूँ। बच्चों आपने छठी या सातवीं कक्षा में घातों के बारे में पढ़ा होगा, आई 2 और आई 2 लिखने पर हमें यह प्राप्त हुआ कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका मान होता है -1 और आयोटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा, यानी आई की पावर यदि मैं 3 लेती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा। उसी प्रकार मैंने लिया आई की पावर 4 यानी आयोटा की पावर 4। इसको जब मैंने खोला तो मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वह होता है -1, तो -1 इंटू -1 मिलके बनता है 1 यानी आई की पावर जब 4 होता है तो उसका मान आता है 1। अगला है आई की पावर 5। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा के स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का स्क्वायर लेने पर मुझे प्राप्त होता है 1 और 1 का जब मैं आयोटा से गुना करूं तो मुझे उत्तर में प्राप्त होगा आयोटा। यानी आयोटा की पावर यदि आप 5 लेते हैं तो वह आयोटा बनाती है। ठीक उसी प्रकार आयोटा की पावर जब आप 6 लेते हैं तो आप क्या लिखेंगे इसको? आयोटा का स्क्वायर होल का क्यूब यानी -1 की पावर 3 जो आगे मिलके होती है -1। इसी के साथ बच्चों हमने यह प्राप्त किया कि सामान्य रूप से किसी पूर्णांक के लिए आयोटा की पावर 4 के पर मान 1 आएगा, आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 पर मान आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 के लिए मान आएगा -1 और आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 के लिए मान आएगा -आयोटा। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगले विषय की ओर, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल। यानी हमें यह पता है कि आयोटा का स्क्वायर ले या माइनस आयोटा का स्क्वायर ले दोनों का ही मान होता है -1, इसलिए -1 के दो वर्गमूल हो जाते हैं आयोटा और माइनस आयोटा। हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो होता है अंडर रूट -1, तो हम ये देखेंगे कि आयोटा और माइनस आयोटा दोनों ही समीकरण x2 + 1 = 0 के हल है, यानी x2 = -1 के भी हल है। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़े, हमारा अध्याय समाप्त होने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे तत्समक यानी आइडेंटिटीज के बारे में। जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को लेते हैं z1 और z2, तो z1 + z2 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलता है z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर + 2z1 * z2। अब देखते हैं बच्चों इसको हल करके ये होता कैसे है। सबसे पहले हमने देखा z1 + z2 का होल स्क्वायर यानी z1 + z2 का गुणा किया गया है z1 + z2 के ही साथ। गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ पहले z1 गुना होगा z1 + z2 के साथ, फिर z2 गुना होगा z1 + z2 के साथ। आगे बढ़े तो हमने देखा बंटन नियम के उपयोग के पश्चात हमें प्राप्त हुआ z1 का होल स्क्वायर + z1 * z2
प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, जेड वन जेड टू और जेड टू जेड वन बात तो एक ही है, कैसे, क्रम विनिमय नियम से। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि जेड वन का जो स्क्वायर है और जेड टू का स्क्वायर है वो वैसा ही रहेगा। जेड टू इंटू जेड वन की जगह मैं जेड वन इंटू जेड टू लिख सकती हूँ, यानी हमें प्राप्त होता है जेड वन स्क्वायर प्लस टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, जो कि हमारा परिणाम था। अगली कुछ तत्समक को देखते हैं। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर दिया है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब दिया है, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब दिया है तथा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर दिया है। बच्चों ये सभी तत्समक जो है ये आपकी पुस्तिका में दे रखे हैं, आप इनको अभ्यास करके इनको हल करके देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा गुणनफल के बारे में और भागफल के बारे में, साथ ही साथ देखे हमने आय की घात तथा तत्समक। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं।